तो फ्रेंड्स आज हम करने वाले कुछ इस टाइप के फोटो एडिटिंग वो भी पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। एंड गाइस इस एडिटिंग करने के लिए जो बैकग्राउंड पेज यूज करूंगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको मिले डाउनलोड कर लेना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। एंड पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ये जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर एफएक्स पर आ जाना है। एंड यहाँ पर जो ब्लर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड पहला वाला ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। इसका जो अमाउंट है उसको आपको 5 रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ऊपर राइट साइड पे क्लिक कर देना है, राइट पर। एंड यहाँ पर आपको सिंपली आ जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एक पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक है। मेसी पीएनजी है ये, तो इसको हम ऊपर की तरफ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको सेट कर दिया हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली इरेजर पर क्लिक कर लूँगा। फिर से इरेजर पर जाएंगे हम एंड इसका जो हार्डनेस एंड ऑपेसिटी उसको हम कम कर देंगे एंड साइज़ को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ से आपको इरेज करते जाना है, ठीक है। ये ब्लेंड कर देना है आपको इसका के साथ। उसके बाद आपको सिंपली राइट पर क्लिक करने के बाद इसका ऑपोसिट हल्का सा कम कर देना है। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है एंड आपको दोबारा से आ जाना है ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे। जैसे आप ऐड फोटो ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक पीएनजी को ऐड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइट पीएनजी, इसका ब्लेंडिंग मोड को सिंपली कर देना है स्क्रीन, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद आपको इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड बढ़ाने के बाद आपको इसका ऑपोसिट को हल्का सा कम कर देना है, ठीक है। इसको कम कर देना तो क्या करना है, सिंपल आपको राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से आ जाना है ऐड फोटो लोशन पे एंड यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है एक फोटो को, ठीक है गाइस। अब जिस फोटो को एडिट करना चाहते हो उसको कटआउट मैंने यहाँ पर ऐड कर ले हूँ एंड यहाँ पर मैंने कटआउट पहले ही से करके रखा हूँ। एंड कटआउट कैसे करते हो उसको मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, ठीक है गाइस, कैसे आपको इरेज कर लेना है बैकग्राउंड, ठीक है। तो पहले आप एडिटिंग को सीख लीजिए, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको इफेक्ट्स पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पर सिलेक्ट कर लेना है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कपड़े हैं उसको व्हाइट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बी एंड डब्ल्यू बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है गाइस, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो गाइस ये वाला ऑप्शन, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पर क्लिक करना तो आपको दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड सिंपली आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है बी वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है इरेजर पर एंड दोबारा से इसका इन्वर्ट कर देना है एंड रिस्टोर वाला ब्रश सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका हार्डनेस बढ़ देने के बाद सिंपली आपको कपड़े के ऊपर से अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपका कपड़ा व्हाइट कर देगा फुल, ठीक है। तो फिर मैंने इसको सिंपली मार्च कर दूंगा एंड राइट पर क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो इस पूरा व्हाइट हो चुका है कपड़े हमारा एंड यहाँ पर मैं सिंपली इसको राइट पर एक बार क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पर हम कपड़े को अर्जेंटीना की जर्सी की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस फ्लैग को ले लिया हूँ, ठीक है। एंड सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका जो ब्लेंड मोड है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको इसको रोटेट कर लेना है एंड इसको साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड कपड़े के ऊपर से परफेक्ट तरीके से आपको सेट कर देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया हूँ एंड मैं अभी जाऊँगा इस इरेजर वाला टूल्स पे, ठीक है गाइस। सो मैंने यहाँ पर इरेजर पे अभी जाऊँगा, पहले इसको मैं सही से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इरेजर पे क्लिक करने के बाद आपको इसे इन्वर्ट कर देना है एंड रिस्टोर वाला ब्रश पे जाने के बाद आप लोगों को साइज अपना मतलब सेट करने के बाद आपको सिंपली कपड़े के ऊपर से इस तरीके से चला देना है, ठीक है। तो ये जर्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस स्टेप्स को जल्दी से कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बच जाएगा, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ ताकि लंबा ना बने वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पर लगभग हो चुका है एंड मैं सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट कर चुका हूँ एंड सिंपली मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दूंगा। इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपल आपको फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एक कुछ पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा पीएनजी कहाँ पर ऐड करना है। तो देख सकते हो मैंने पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ एंड इसको मैं सबसे पहले साइड पे रख देता हूँ, ठीक है गाइस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो पीएनजी इसको मैं ऐड करूँगा, ठीक है गाइस, ये वाला। तो इसको आपको सबसे पहले क्रॉप कर लेना है इस रेशियो में एंड पर आपको राइट पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसको देखो इसका साइज को बढ़ा देना है, पूरा फोटो को आपको ऐड कर देना है एंड सिंपल आपको ब्लेंड पर जाना है एंड कर देना स्क्रीन, ठीक है। तो ये पूरी फोटो के ऊपर से साइज से नहीं बैठा है तो मैं इसको थोड़ा सा और साइज़ को इंक्रीज कर दूँगा एंड जाऊँगा सिंपली इरेजर वाला टूल्स पर, ठीक है। इरेजर वाला टूल्स पर जाने के बाद फेस के ऊपर से जो पार्ट आ रहा है उसको मैं सिंपली इरेज कर दूंगा एंड पर राइट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब चाहो तो इसका जो ऑपोजिट है वो ऑपोजिट आपको हल्का सा कम कर सकते हो, ठीक है, अपना मतलब इससे। तो ये होने के बाद अब सिलेक्ट कर लूँगा ये वाला पीएनजी, ठीक है गाइस, कबूतर वाला पीएनजी। तो इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने साइज को सेट कर दिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको मैं मूव डाउन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइट्स पीएनजी, ठीक है गाइस, इसका ब्लेंडिंग मोड कब को कर देना स्क्रीन एंड ये पूरा फोटो के ऊपर से राइट कर देना, ठीक है गाइस। पूरा फोटो के ऊपर जैसे बैठा देगा तो इस तरह के लगे दिखने में। तो मैं यहाँ पर कबूतर का पीएनजी ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको सिंपली इरेज कर दूंगा, ठीक है गाइस।
या फिर ऊपर लेफ्ट साइड का एंड नीचे जो कबूतर उसको मैं इरेज कर दूँगा, ठीक है, नहीं तो अच्छा लगेगा नहीं दिखने में। सो इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है गाइस, इसको तो ये हो चुका है, ठीक है गाइस। इसको मैं सिंपल यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दूँगा एंड ओनली यहाँ पर ऑन काम बाकी है, ठीक है गाइस। आपको फिर से जाना है एड फोटो ऑप्शन पर एंड यहाँ पर हम टेक्स्ट पेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पेज कहाँ है भाई, तो यहाँ पर देख सको इस मैंने टेक्स्ट पेज को ऐड कर लिया हूँ। तो ये वाला जो पी एन जी, ठीक है, इसको आपको टॉप लेफ्ट की तरफ रख देना, ठीक है गाइस। एंड इसको यहाँ पर रख देने के बाद आपको ये वाला जो पी एन जी, ठीक है गाइस, आई सपोर्ट अर्जेंटीना, तो इसको आपको फुल साइज़ बढ़ा देना है एंड नीचे की तरफ से आपको ऐड कर देना, ठीक है। तो इतना हो जाएगा तो आपको राइट पर क्लिक कर देना है एंड पिक्सल आर्ट की काम खत्म हो चुका है। सिंपल हम जाएंगे ड्रॉ टूल पे एंड ड्रॉ टूल पे जाने के बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक कर फोटो को सेव कर लेंगे एंड इस फोटो को हम ओपन कर लेंगे अपने लाइट रूम ऐप में, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, लाइट रूम पे इसका कलर करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑटो टूल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो कलर्स वाला टूल से यहाँ पर आपको आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिंट है उसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं। एंड जो वाइब्रेंस है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को हल्का सा डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। एंड सैचुरेशन आप चाहो तो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली कलर मिक्स टूल पर आ जाना, ठीक है। जो ऑरेंज कलर है उसका सैचुरेशन हम डिक्रीज करेंगे एंड लुमिनस को हाई कर देंगे। इस तरफ जो फेस है, फेस आपका व्हाइट बन जाएगा, ठीक है। उसको जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, उसका ह्यू को फुल इंक्रीज कर देना है एंड सैचुरेशन भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद वो क्या करना है, सिंपली ह्यू को येलो कलर का बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है। उसके बाद मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, इसका जो ह्यू है उसको मैं डिक्रीज कर दूँगा एंड जो सैचुरेशन है उसको इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। एंड ये कलर का भी मैं सेम ऐसे ही करूँगा, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली लास्ट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका जो ह्यू है थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन को भी बढ़ा देना, ठीक है। तो इतना हो जाएगा तो डन पर क्लिक कर देना है एंड आपको नेक्स्ट स्क्वायर वाले टूल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्सचर एंड क्लैरिटी एंड डेस को हल्का सा बढ़ाएंगे एंड जो फिकनेस है उसका हम हल्का सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोगों को ये टूल्स पर आ जाना है, शार्पनिंग को आपको बढ़ा देना है, ठीक है। रेडियस डिटेल्स को हल्का सा बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन को हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड ये जो कलर नॉइज रिडक्शन है इसको भी हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जो प्रीसेट्स वाला आइकॉन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है एंड जो शार्पनिंग है उसको हैवी रख देना, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दोबारा क्लिक करने के बाद इसका जो ऑप्टिक्स है उसका आपको लेंस प्लस सी क्रिएशन पे सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर काम खत्म, मतलब हो चुका है, सिंपली कुछ स्टेप्स बाकी है। तो यहाँ पर लाइट्स वाला टूल्स पे आने के बाद आपको जो ब्लू कलर उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका जो बार है कर टूल का उसको हम हल्का से ऊपर की तरफ रख देंगे एंड डन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फोटो में थोड़ा सा एक्सपोजर भी बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि अच्छा लगे और भी देखने में। तो हमारा कम्प्लीटली एडिटिंग हो चुका है एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हो, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड कैसे इरेज करने है अगर जानना चाहते हो तो यहाँ पर राइट साइड पर जो वीडियो है वहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया हूँ कि बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हो।